Good evening, everyone. Good evening. My voice is clear to all of you. My voice is clear to all of you. Please tell me my voice is clear to all of you. Audio and video, everything is clear to all of you. Good evening, Pandey ji. Good evening. Hello, Lakshmi. Good evening. आज की जो टॉपिक है बहुत ही प्यारी टॉपिक है जिसका नाम है बिल्कुल खाली है लक्ष्मी बिल्कुल लंच वंच पूरा होके मैं रेडी हूं आप लोग रेडी हैं कि नहीं आर यू गाइज रेडी यस और नो चलिए जल्दी सब लोग आ जाइए जल्दी से सब लोग आ जाइए छोटा सा टॉपिक है प्यार से पढ़ेंगे और प्यार से खत्म भी करेंगे मैं आपको हमेशा बोलता हूं दोस्तों आराम से पढ़ो शांति से पढ़ो और चीजों को समझते जाओ आसिक पीएम नाम तो खतरनाक है यार आपका आसिक और शिक में दोनों डिफरेंट है थोड़ा सा ओके I will wait one or two minutes more. After that, I will start, guys. So anybody who are not here, they will be in losing condition. और आज की कहानी पूरी सेपरेट कहानी है तो जिसको आज समझे नहीं उनसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा अभी ही आज ही की क्लास में प्रॉब्लम भी करने वाले हैं सो अगर आपसे नहीं बना है क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो नहीं बनेगा आई एम टेलिंग यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इटसेल्फ Good evening, Devasis. You are absent in the first lecture of environment and in morning class also. इससे पहले मैंने 4 से 6 आपका स्लज डाइजेशन पे क्लास लिया था तो मेनी ऑफ यू गाइज आर एबसेंट सो आई होप यू आर यू विल वॉच दैट पार्ट बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू बहुत प्यारा कंसेप्ट था स्लज डाइजेशन जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दिवसिस आज 5 बजे क्लास नहीं हुई थी आज 4 से 6 क्लास हुई थी और फिर अभी 7 से 8:30 तक क्लास होगी ठीक है आज मेरी क्लास मॉर्निंग थी 9:30 to 11 o'clock देन अगेन 2 to 3 स्पेशल क्लास थी 4 to 6 इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को लिया था एंड देन 7 to 8:30 अगेन मैं ले रहा हूं ये मेरी क्लास की टाइमिंग थी चलिए तो मेरे को मालूम था कुछ लोगों को पता नहीं था इसलिए मैंने मॉर्निंग क्लास में एक बार सबको बताया था टाइम टेबल चलिए वो तो अब पुरानी क्लास की बात थी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सो दोज हु आर न्यू इन माय क्लास फॉर देम माय नेम इज मृगांक सौरभ एक्सपर्ट इन गेट ईएससी एंड अदर टेक्निकल एग्जाम फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो एंड आई हैव डन माय मास्टर इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी वारंगल एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर 1 year रिसर्च वर्क इन बार्क देयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर And the topic was volatile organic compound. And from that time onwards, I'm continuously in this teaching field for more than 3 years. And wherever it is required, guys, I will give you information regarding higher studies as well as research work also wherever it is required. If you also want to ask me anything, you can ask me.
So this is a small intro about me, guys. On the right side of the slide, you can see my code is MRI10. This code, you all can use it to get the maximum discount or maximum benefit from Unacademy Plus subscription part. You can always use this code. So that is code is MRI10. Okay. The gas produced in two condition. Explain, sir. Okay. Yuvraj, first. Now coming to the plus subscription part, guys. I think most of the guys are having confusion about plus subscription. Now plus subscription charge, if you see this part. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे को एक लाइन में प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना हो तो आपकी कोर्स टाइमली कंप्लीट होगी। जैसे आप यूट्यूब पे कर रहे हो तो आपको क्या है कि हर एक सब्जेक्ट टाइम ले रहा है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट ही मई से मैं ले रहा हूं, अभी जून खत्म हो गया, जुलाई में भी चलेगा, तो डेफिनेटली यू नो दैट द योर कोर्स इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट। तो ये चीजें हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अगर इन चीजों आपको डेडिकेटेड स्टडी करना है, आपको गेट या इसी के लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, बिल्कुल प्लस ज्वाइन कीजिए। क्या क्या फायदे हैं मैं आपको एक ही पॉइंट बता रहा हूं। पहली चीज है लाइव क्लासेस, आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस मिलेगी। स्टार्ट एंड एंड टाइम ऑफ द लाइव लेक्चर विल बी गिवन टू यू बिफोर इटसेल्फ। क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच। सी इन क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स राइट नाउ यू कैन डू दैट पार्ट। रैंक इंप्रूवमेंट बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st जुलाई, मैं ऑलरेडी लेने वाला हूं। और इन दोनों के लिए आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा पे करने के लिए, इट इज इंक्लूडेड इन द प्लस सब्सक्रिप्शन चार्ज। नाउ ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू कैन गो विद आइदर इंग्लिश और इन हिंदी। इट इज बेनिफिटेड फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, यू कैन टेक द इंग्लिश कोर्सेस। डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर एवरी 3 lecture, वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन ओनली फॉर डाउट क्लियरिंग। Now coming to the weekly test part, guys. In weekly test, we are providing you enough questions so that you can revise all which you have studied in the previous week. So that it will be a revision also, so that you can find your mistake also. Like in today's morning class, I have given you 4 or 5 questions regarding OCF, open channel flow. So in that, many of guys are telling me, sir, मैं अपना mistake पता कर लिया। मैं मिस्टेक पता कर लिया, तो वो चीजें होता है कि सर मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था। ये सारी चीज आपको कब मिलेगी, जब आप टेस्ट दोगे, वीकली टेस्ट दोगे। इन दैट यू कैन फाइंड आउट वेदर यू आर लैगिंग इन द कंसेप्ट पार्ट और कैलकुलेशन पार्ट। सो इफ यू आर लैगिंग इन द कंसेप्ट पार्ट, यू कैन वर्क ऑन दैट, इवन आई विल हेल्प यू इन दैट पार्ट। इफ यू वॉन्ट टू हेल्प इन कैलकुलेशन पार्ट, देन यू विल डेफिनेटली हेल्प योर सेल्फ ओनली। आप खुद की हेल्प खुद कर सकते हो बाय सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम। मेनी प्रॉब्लम इफ यू सॉल्व दिस मिस्टेक पार्ट, स्पेशली द कैलकुलेशन मिस्टेक पार्ट विल गो डाउन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वेदर इट्स अ गेट, टीएससी और एसएससी और आरआर, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, एसएससी, इवन 11th 12th यूपीएससी आईएएस एग्जाम। सो फॉर एवरी एग्जाम वी हैव अ प्रॉपर सॉल्यूशन, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम वर्किंग बिहाइंड इट। Now coming to the fees, you all guys are very much concerned about fees, and that is the reason what we have done. We have reduced this fees up to 60%, up to 70%, I think. So the fees is now, it's only 22,500. And for 22,500, if you see on a per day basis, it is only 50 to 60 rupees. And that is very much nominal fees, guys, to get this much knowledge with a highly dedicated faculty, with this much quality of content. That 50 to 60 rupees is very, very nominal thing. So, if you are coming for the Unacademy subscription part, I will suggest you guys that take only 1 year work, because 1 year subscription, because that 1 year subscription only is going to be worth it for you. So take that only. And if you are taking 1 year subscription, it is going to be lesser, less cost also as compared to 1 or 3 months. Now coming to those students who are having problem in paying that amount at a single time. Ye un bachchon ke liye jo ek baar mein amount pay nahi kar paate hain, या प्रॉब्लम हो रहा है अगर देने में, तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ईएमआई ऑप्शन पिक कीजिए और आसानी से आप सरल महीने में या आप वीकली तो नहीं होगा, महीने और 2 से 3 महीने में जैसे भी आप ईएमआई आप फिक्स करेंगे, बहुत आसान होगा आपको देना। सो दैट इज फॉर क्रेडिट कार्ड ईएमआई एंड डेबिट का ईएमआई। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर ऑल्सो यू कैन यूज माई कोड MRI10, दैट इज MRI स्टार्टिंग फ्रॉम मृगांक 10, and with that you will get a maximum off also. Now coming to this link, I think you all guys have joined also, so those who haven't joined this channel, join this group. This is in Telegram, name is Unacademy Gate and ESCC channel, and
हियर यू विल गेट ऑल द लेक्चर नोट्स एज वेल एज पीडीएफ एवरीथिंग यू विल गेट इवन लेक्चर नोटिफिकेशन विल कम टू यू. तो सम ऑफ यू गाइस आर टेलिंग सर मॉर्निंग लेक्चर मिस हो गया. ये सारी चीजें नहीं होगी अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहते. स्पेशली कमिंग टू द फेसबुक पार्ट गाइस, दिस ग्रुप इज क्रिटिक्स ऑफिशियल ग्रुप, दैट इज नेम ग्रुप इज गेट एस्पिरेंट्स MEC and EC. So mechanical, civil engineer, CSC people, they are in this group. More than 10K people are there. So any doubt, anything you want or anything, if we are also posting, you will be the first person to get notified of it. You will be the first person to get notified of it. So I hope that point is clear to all of you. If anybody having any other doubt other than this, in the intro part, you can ask me or else I will start the lecture. So today's lecture is about septic tank. Now, good evening, Himanshu Agarwal. I think you are new in my class. Ishan, in morning, in the first part of environment, you was absent. So you missed the sludge digestion part. Yuvraja, aapka question kya tha? The gas producing two condition, explain which condition you are talking about, anaerobic or aerobic? In aerobic, CO2 gas will be there. Ammonia gas will be there. In anaerobic, CH4 gas will be there. CO2 gas will be there. H2S gas will be there. And other toxic gases will be there in anaerobic condition. So, anything else you want to know, tell me. Shailesh, good evening. Chali. So, aaj ki class start karte hain. Bahut pyar se start karenge. Septic tank aap sabne dekha bhi hai. तो कई रियल लाइफ एग्जांपल में आप ही से पूछूंगा. ओके, नो प्रॉब्लम ईशान. चलिए, तो सेप्टिक टैंक की कहानी चालू करने से पहले मैं आपकी कुछ चीजें. युवराजा, इन एरोबिक वी विल गेट CO2 एंड NH3. आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और NH3 अमोनिया गैस भी मिलती है और साथ में आपको मिल जाता है कभी कभी, मोस्टली यही दोनों गैसेस रहते हैं और कुछ गैसे होते हैं लेकिन उसका आप मतलब प्रॉपर क्वांटिटी आप नहीं बोल सकते. ठीक है, सो मोस्टली NH3 और CO2 गैसेस ही रहते हैं. चलिए, अब सबकी कहानी यहां होनी चाहिए, सबका ध्यान यहां होना चाहिए. लेट सी द स्टोरी. सो हम लोग बात कर रहे हैं भैया सेप्टिक टैंक की. किसकी बात कर रहे हैं? सेप्टिक टैंक की. कितने लोगों ने सेप्टिक टैंक देखा है? यस, अमोनिया मीन्स NH3. कितने लोगों ने सेप्टिक टैंक देखा है या कितने लोगों के घर में सेप्टिक टैंक है? अगर आपने देखा है या आपके घर में है तो फिर मेरे को थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देना बहुत आसान हो जाएगा. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों ने देखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है. लक्ष्मी इज आस्किंग सर अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इन सेप्टिक टैंक. लक्ष्मी, आपका पहला फंडा ही गलत है कि भैया सेप्टिक टैंक में अगर एनारोबिक प्रोसेस हो रही है तो वहां अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस कैसे होगा. अटैच्ड ग्रोथ एंड सस्पेंडेड ग्रोथ आर द टाइप ऑफ एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट. इट्स नॉट अ टाइप ऑफ एनारोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट. दैट पॉइंट, दीज ऑल आर फंडा. फंडे में अगर प्रॉब्लम करोगे लक्ष्मी, इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो एनारोबिक और अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस की बात ही हम नहीं करेंगे एक जगह. मोहक, गुड इवनिंग. बाथरूम टैंक. अश्मुद्दीन, एक तो आप बहुत दिनों बाद दिखे हो कॉमेंट सेक्शन में. बच्चा, ये बाथरूम टैंक नहीं होता, ये आपके बाथरूम के बाहर एक टैंक लगी रहती है और उस टैंक को हम सेप्टिक टैंक बोलते हैं. उन लोग जो छोटे शहर से होंगे या इंडिया में तो बड़े शहर में भी कई सारे शहर है जहां पे लोग सेप्टिक टैंक रखते हैं, इसका यूज क्या है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा. जो टॉयलेट हमारे घर पे, वो सेप्टिक टैंक है क्या? भैया टॉयलेट नहीं, टॉयलेट के बाहर सेप्टिक टैंक होगा. टॉयलेट में सेप्टिक टैंक कैसे हो सकता है? चलिए, तो कुछ लोगों ने देखा है शायद, कुछ लोगों ने नहीं देखा है. सो मिक्स मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं. चलिए, कोई बात नहीं. आइए, पहली बात समझिएगा कि सेप्टिक टैंक एक ऐसा हमारा ट्रीटमेंट यूनिट है
इसमें ट्रीटमेंट यूनिट सब कुछ इसी में है आपका, इसके लिए आपको कोई पीएचडी नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट यूनिट। इसमें आपने जो रॉ वेस्ट सीवेज डालना है वो पूरा का पूरा आपके बाथरूम से आपके टॉयलेट रूम से सीधा का सीधा पानी इसमें आप डाल देते हो। अब बेसिकली क्या रहता है, आपका टॉयलेट से ही कनेक्टेड रहता है, बाथरूम वाला पार्ट कनेक्टेड नहीं रखते हम लोग। इसकी जरूरत कब पड़ती है समझना, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपके शहर में प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं हो। प्रॉपर सीवेज सिस्टम मतलब देर इज नो फैसिलिटीज और देर इज नो यू कैन से सेटअप फॉर योर कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर इफ इन योर सिटी। अगर आपके सिटी में कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब सीवर लाइन ये सब नहीं है, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, सेप्टिक टैंक बनाते हैं। जनरली छोटे शहरों में सेप्टिक टैंक ही होते हैं सबके घरों में, और इसका जो ट्रीटमेंट है ये तब ज्यादा सही होता है जब जो पॉपुलेशन हो रहा है इसके अंदर वो 300 के कम हो, लेस देन 300 हो तो ज्यादा सही है, मोर देन 300 के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो पहला पॉइंट सब लोग नोट करते जाइएगा बिकॉज मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। सेप्टिक टैंक आर यूजफुल वेयर देर इज नो प्रोविजन फॉर वेयर देर इज नो प्रोविजन फॉर वेस्ट वाटर कलेक्शन वेयर देर इज नो प्रोविजन फॉर वेस्ट वाटर कलेक्शन। सेकेंड थिंग, इट इज सुटेबल फॉर दो सोसाइटी और हाउस होल्ड हुज पॉपुलेशन आर लेस देन और इक्वल टू 300, हुज पॉपुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 300। लक्ष्मी, इट इज अ सस्पेंडेड ग्रोथ। लक्ष्मी, इसमें बात ही मत करो सस्पेंडेड ग्रोथ या इसकी। सस्पेंडेड ग्रोथ, अटैच ग्रोथ की बात हम तब करते हैं बच्चा जब हम एरोबिक सिस्टम की बात कर रहे हो। एरोबिक के ही दो टाइप होते थे, अटैच्ड और सस्पेंडेड वाले। एनारोबिक का दो टाइप मैंने ऐसा बोला ही नहीं है। मिस्टर कूल इज आस्किंग, सर कुछ टॉपिक मिस तो नहीं हुआ? बिल्कुल कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ मिस्टर कूल, बट जो इससे पहले 4 to 6 वाली क्लास थी उसमें स्लज डाइजेशन में आप लोग नहीं थे, तो वो उस पार्ट को रिवाइज कर लेना या देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीजें हैं जो आपको सेप्टिक टैंक के। अब ये सेप्टिक टैंक है क्या भैया? तो कुछ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, सेप्टिक टैंक इज ए टैंक। क्या है सेप्टिक टैंक? एक टैंक है विथ लॉन्ग डिटेंशन टाइम एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज एनारोबिक एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इज एनारोबिक। तो ये मैंने आपको बेसिक्स इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी। चलिए अब आइएगा इसका सेटअप कैसा रहता है, अगर वो मैं आपको दिखा दूं तो आप सब लोग मेरे को थोड़ा सा आराम दे दोगे। सबके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है कि दिखता कैसा है, थोड़ा मैं आपको सेटअप दिखा देता हूं। तो पहले सेटअप बना लीजिएगा दोस्तों, फिर पहले मेरे को बनाने दीजिए या फिर जैसा भी आपकी इच्छा हो।
आराम से पहले सेटअप बनाइए, फिर बातें करेंगे। पहले सेटअप बनाइए, फिर बातें करेंगे। पहले सेटअप बना लीजिए, फिर बातें करेंगे। राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग द कमेंट पार्ट, सो डोंट मैसेज मी गाइस। जितने आराम से मैं बना रहा हूं उतने आराम से आपको बनाना है, और प्यार से बनाना है डायग्राम। पूरी की पूरी कहानी डायग्राम में ही छिपी हुई है। पूरी की पूरी कहानी डायग्राम में ही है भैया। चलिए अभी लक्ष्मी थिंक करने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ लूंगा सुखपीत की क्या जरूरत है। अभी आपका काम है आराम से प्यार से ड्राइंग को बना लीजिए, आराम से प्यार से ड्राइंग को बना लीजिए। पूरी कहानी कैसे होती है, क्यों होती है, ये बताना मेरा काम है, तो आप टेंशन ना लें, वो मैं बता के ही छोड़ूंगा। चलिए तो सब लोग की ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, सर डन। सबका जवाब आना चाहिए, सर डन। ये जवाब अगर आ गया तो फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा, तब मैं आपको कहानी बताऊंगा, तब मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो सबका जवाब पहले आ जाना चाहिए, डन। आराम से प्यार से बनाइएगा, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सही का सही बनाइएगा, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपके कॉपी में दिखना चाहिए। और एक बात और आपको बता दूं, आई थिंक इन्वॉल्वमेंट आधा से ज्यादा हो गया है, लेकिन एक बात मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपने टीचर से ज्यादा अच्छा ड्रॉइंग बनाते हो तो बहुत ही ज्यादा पाप लगता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब फिर शनि देवता वाला पाप लगता है। फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, मैंने पहले बता दिया। तो अगर आप टीचर से ज्यादा अच्छा ड्रॉइंग बनाते हो तो थोड़ा सा गंदा बनाओ।
ठीक है, चलिए हो गया तो डन लिखिए, हो गया तो डन लिखिए, आगे कहानी भी देखनी है। हो गया तो डन लिखिएगा। चलिए सब लोगों ने डन लिख दिया है। राइट साइड का क्या है? सोक पिट, सोक पिट, SOA के सोक, PIT पिट, आपने देखा भी होगा घर में ये सारी चीजें। अंजलि सोनी जी, आई थिंक यू आर न्यू इन माई क्लास, आई होप यू हैव रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे हुई? कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई, समझिएगा, कमेंट में देख नहीं रहा हूं तो कहानी को सुनिए पहले। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई बच्चों कि आपके घर से, आपके घर से, आपके टॉयलेट से आपका वेस्ट वाटर आया। कहां से आया? इस रास्ते से होते हुए आया। ये हमने इनलेट जोन बना दिया है। यहां पे क्या किया, ये जमा होता गया। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेटलिंग जोन, जहां पे आपका पानी सेटल होने के लिए हमने बनाया है जोन। यहां पानी सेटल होगा, सेटल होगा, सेटल होगा। अब अगर ये पानी आपका सेटल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो आपको पता है कि आपका जो सॉलिड वाला पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन तो प्रोवाइड किया नहीं है। तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड किया नहीं है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन ही होने वाला है। तो जब एनारोबिक डाइजेशन होगा तो कुछ स्लज नीचे जाएंगे, तो स्लज रखने के लिए हमने जगह बता दिया, इसको हमने बोला स्लज जोन। अब जो हमारा स्लज जोन है, ये पार्ट जो हमारा स्लज जोन है, ये इतना नीचे नहीं रहता, थोड़ा सा ऐसे भी रहता है, ये वाला पार्ट इतना थोड़ा सा जाने का रास्ता रहता है। So, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज भी कर सकते हो, ये इस लेवल तक रहता है, ठीक है, ताकि यहां से पानी जा सके। अब ये वाला जो आपका जोन है, इसमें आपका क्या हुआ, पानी थोड़ा सेटल हुआ, सेटल होने के नीचे यहाँ पे स्लज जमा हुआ, स्लज को जमा होने दिए, यहां वाला जो पानी आपका सेटल हो गया था, ठीक हो गया था, और पूरा अच्छे से ट्रीट नहीं लेकिन नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हो ही गई थी, एटलीस्ट ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज हो ही गए थे। और आपको पता है जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा, किसके लिए, गैसेस के लिए। इस पाइप को आप बोलते हो, जगह तो नहीं है बट मैं लिख देता हूं कि इस पाइप को आप क्या बोलते हो, इस पाइप को आप बोलते हो वेंट पाइप। आपने देखा होगा आपके घर के ना सबसे छत के ऊपर या एकदम मेंस हाइट से ऊपर रखते हैं इसको। उसका रीजन है कि जब आपका यहाँ एनारोबिक डाइजेशन होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा तो गैसेस कौन कौन से आएंगे, CH4, H2S, CO2, ये सारे जो गैसेस हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो कभी भी वेंट पाइप में नाक लगा के सूंघना नहीं है कि कौन सा गैसेस आ रहा है। जो मैं मान रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसको भरोसा कर लो, ये नहीं कि उसमें सूंघ के देख रहे सर मिथेन आ रहा है या नहीं, भैया सूंघते रह जाओगे फिर, मेरी गलती नहीं है। तो ये जो आपका ऐसे निकला हुआ रहता है टैंक से, इसको हम बोलते हैं वेंट पाइप, गैसेस के लिए है। और उसी के लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड किया है। अब इस फ्री बोर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा बेइज्जती वाली बात होती है, क्या बेइज्जती वाली बात होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही आपका क्या हुआ, पानी और ज्यादा आता गया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने घर से वेस्ट वाटर आता गया, आता गया, यहाँ फिल हो गया, ये टैंक इधर गया आउटलेट जोन में, और आउटलेट जोन से हमने एक नाली बना दी है, कहाँ कहाँ जाता है वो, सोकपिट में। तो आउटलेट जोन से सोकपिट में डाल दिया। सोकपिट क्या करता है, सोकपिट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द एरिया। तो सोक पिट में क्या है, बड़े बड़े बोल्डर्स या बड़े बड़े ब्रोकन ब्रिक्स रख देते हैं ताकि उसको वाइड सरफेस एरिया मिले, ज्यादा टाइम मिले उसको इन्फिल्ट्रेशन के लिए, और ग्राउंड वाटर में वो जाके मिक्स हो जाए। तो ये आपका सोक पिट होता है। सोक पिट वाला पार्ट आपको कई कई सिटीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह छोटी रहती है सबके पास सिटीज में, इवन छोटे शहर में भी जगह तो कमी रहती है, तो सोक पिट कोई नहीं देना चाहता। ऊपर से सोक पिट खुला रहता है तो आपको क्या हो सकती है, फ्लाई ब्रीडिंग हो सकती है, मॉस्किटो सब आ सकते हैं। सो नो वन वॉन्ट्स टू गिव दैट। So instead of that, क्या होता है, आप देखते होंगे आपके घर में एक म्यूनिसिपल वाले आते होंगे वाटर टैंक लेके, वाटर टैंक नहीं, एक टैंक लेके आते होंगे, वो लोग पाइप से पूरा सक करते हैं। तो जब आपका ये टैंक पूरा फिल हो जाता है, वो लोग दो तीन महीने में एक बार खाली कर लेते हैं। सो दो तीन महीने में खाली हो जाता है, साथ में जो नीचे वाला स्लज जमा होता है उसको हम एक से तीन साल के बीच में साफ कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ क्लीनिंग पीरियड। तो एक से तीन साल वाला तो आप देख नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपके घर में तो तीन से चार लोग रहते हैं, तो वेस्ट वाटर ही बहुत कम होता होगा, और वेस्ट वाटर के साथ जो आपका स्लज फॉर्मेशन है वो भी कम है।
सो इन दैट केस आपका जो टैंक साफ होता होगा वो 4 से 5 साल में साफ होता होगा, ठीक है। बट जनरल स्टैंडर्ड जो कंडीशन है वो 1 से 3 साल में साफ करवा लो। तो क्या साफ करवाते हैं, हम दो चीज साफ करवा सकते हैं। एक स्लज साफ होता है जिसमें आपको पूरा पानी निकाला जाता है फिर स्लज को निकाला जाता है, और दूसरा 2-3 महीने में ये तो भरता ही रहता है, इसको तो आप क्लीन करवाते ही रहते हो म्युनिसिपल वालों से। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो डिकम्पोज हुए, जो डाइजेस्टेड स्लज था वो नीचे सेटल हो गया, जो डाइजेस्टेड मतलब जो अब जो आपको फ्रेश ही बोलो, फ्रेश मत बोलो, बट ट्रीटेड जो आपका स्लज है, ट्रीटेड जो आपका सीवेज है वो कहाँ गया, इसमें गया आउटलेट रीजन में, और आउटलेट रीजन से वो कहाँ गया, सोक पिट में गया, वहां आराम से सेटल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, उल्टा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। तो ये आपकी कहानी थी सेप्टिक टैंक की, घर से पानी लेके सोक पिट तक कैसे गया। इसमें कोई भी डाउट बच्चा पूछिए, अब इसमें कोई भी डाउट पूछिए। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग ऑफ दैट टैंक विथ फ्री बोर्ड। विथ फ्री बोर्ड मतलब आप फ्री बोर्ड तक फिल करना चाहते हो, भैया फ्री बोर्ड तक फिल होगा ही नहीं, ऊपर से पानी आउटलेट जोन में चला जाएगा। अगर आप फ्री बोर्ड तक फिल कर दोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहेगी, आपके जो गैसेस डेवलप हुए हैं उसको जगह दोगे कि नहीं रहने के लिए। यही तो बोल रहा हूं देवाशीष की उस वेंट पाइप दी ही दी जाती है ताकि जो गैसेस फॉर्म होते हैं उसको आपको निकलने के लिए जगह देना पड़ेगा। मीथेन गैसेस बहुत लार्ज अमाउंट में फॉर्म नहीं होते हैं, इट इज अ स्लो रिएक्शन। आपको पता है एनारोबिक रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है, तो धीरे धीरे निकलता है, तो आपको भी वेंट पाइप में क्या थोड़ा थोड़ा मीथेन का स्मेल आएगा, ज्यादा स्मेल नहीं आएगा। और किसी का सवाल, और किसी का सवाल, चलिए और किसी का सवाल है, किसी का और सवाल, इस कहानी में किसी को डाउट, ये कहानी में किसी को कोई समझ में नहीं आया। सेलेस वेंट पाइप से, हाँ वही वेंट पाइप से गैसेस निकल जाती हैं, तो गैसेस बचेंगी कैसे। देवाशीष अगर मीथेन आपके घर में अभी तक रखा होता तो वो एक्सप्लोड हो गया रहता, मतलब आप टॉयलेट करने जाते हो और शहीद हो जाते। हाउ ट्रीटमेंट गेट्स हियर, अभी मैंने बताया एनारोबिक डाइजेशन होती है। एनारोबिक डाइजेशन किसके वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। आपका बैक्टीरिया ऑर्गेनिक डाइजेशन करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया हेल्प होगा जब वो डाइजेशन करेगा। यही तो आपको स्लज डाइजेशन में समझाया था कि एनारोबिक डाइजेशन कैसे होता है, और आपका क्या होगा, सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्म में वो नीचे जमा हो जाएगा, आपका वाटर जो बचा ऊपर वो कहां से, आउटलेट रूट में जाएगा, आउटलेट जोन से उसको हम सोक पिट में डाल देते हैं। अगर आपके घर में सोक पिट नहीं है, तो आपका म्युनिसिपल वाले आते हैं वो लेने के लिए, वेस्ट वाटर लेने के लिए, और वो लोग डायरेक्टली पंप करते हैं, अपने टैंक में जमा करते हैं, और कहीं दूर जाके किसी लैंड में या किसी फ्रेश वाटर बॉडीज में दूर जाके फेंक देते हैं। वंस अगेन इन शॉर्ट, ओहो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, फ्री बोर्ड क्या है, अंजलि सोनी जी का सवाल है, फ्री बोर्ड क्या है। फ्री बोर्ड मतलब थोड़ा सा जगह हम ऊपर छोड़ते हैं, स्मॉल स्पेस इज गिवेन सो दैट ऑल गैसेस वी कैन एक्यूमुलेट देयर, and slowly slowly that gases will go out with the help of vent pipe. Now coming to the in short part, फिर से कहानी को समझ लीजिए। Inlet from home, inlet वाले part से आपका आ रहा है कहानी, अगर आप कहानी देखिएगा, inlet वाले से आ रहा है, यहाँ पानी आया inlet वाले zone में, पानी आपका यहाँ गया, यहाँ पे क्या हुआ, पानी को settle होने के लिए जगह दिया, this zone we call as settling zone। यहाँ से क्या हुआ, आपका anaerobic digestion वाला part हुआ, क्योंकि पानी तो कहीं जा नहीं रहा है, anaerobic digestion हुआ, जो आपको डाइजेस्टेड स्लज थे वो नीचे सेटल हुए, क्योंकि डाइजेस्टेड स्लज हमेशा हैवी होता है, गैसेस हल्का होता है वो ऊपर आएगा, ये मैंने आपको एनारोबिक डाइजेशन में पहले बता दिया है। अब एनारोबिक डाइजेशन से आपको जो हो रहा है, यहाँ पे गैसेस ऊपर आए, गैसेस फ्री बोर्ड में जमा हुए, धीरे धीरे वो वेंट पाइप से बाहर निकल गए। अब यहां से जो पानी आपका एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि आपका जो फ्लो है, जो इनफ्लो है वो तो कंटिन्यूस फ्लो है ना, तो एक टाइम आएगा जब ये सेक्शन पूरा भर जाएगा, तो आप कहां चला जाएगा, वो आउटलेट सेक्शन में, आउटलेट जोन में, और यहां से आपने आउटलेट जोन बना दिया है, कहां जाता है वो सोक पिट में जाता है, सोक पिट में पानी आराम से धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। आप बोलिएगा सर क्या इसमें अच्छी सी ट्रीटमेंट होगी, तो भैया नहीं, आउटलेट वाटर जो होगी अच्छा सा वाटर नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर विल बी ट्रीटेड एंड सोक पिट में। वैसे भी आप क्या हो रहा है कि आपका सॉलिड मटेरियल वहीं रह जाएगा और पानी ही इन्फिल्ट्रेट होगा, तो आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो गया। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी हैं अगर आप घर पे पूरा का पूरा कर पाते हो तो, बट सबके पास स्पेस की प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि भैया इसको क्लीनिंग व्लीनिंग करना पड़ता है, तो लोग वो बोलते हैं उसमें भी टेंशन है, तो फटाफट क्या करते हैं शहर वाले लोग,
सीवर लाइन से अपना घर का पाइप कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन छोटे शहर में सीवर लाइन नहीं होते तो वहां सेप्टिक टैंक बहुत ज्यादा फेमस होता है। कई कई लोगों के तो सेप्टिक टैंक के ऊपर ही वो लोग किचन उचन बना लेते हैं या पार्किंग लॉट बना लेते हैं, कई लोग के घर में देखा हूं ऐसा करते हैं। साई, बिना किसी एनारोबिक बैक्टीरिया के एनारोबिक डाइजेशन हो सकती है क्या? इसलिए बोला था एनारोबिक डाइजेशन वाला पार्ट को ध्यान में रखना, इसीलिए आज स्लज डाइजेशन जो 4 to 6 मैंने पढ़ाया इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट पूरी कहानी है, एनवायरमेंट पूरी कहानी है। तो ईशान मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अंजलि आपका डाउट क्लियर हो गया? चलिए तो सबको ये बातें क्लियर हो गई, अब थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं। पहली चीजें हैं, पहली चीज समझिएगा, फर्स्ट, जबकि जब भी आपको बोले डेप्थ ऑफ द टैंक, आपके पास दो ऑप्शन होना चाहिए। एक है आपका डिजाइन डेप्थ ऑफ द टैंक। सो डेप्थ ऑफ द टैंक डिजाइन वाला जब पार्ट लेते हो तो आप लेते हो डेप्थ ऑफ सेटलिंग जोन, प्लस डेप्थ ऑफ स्लज जोन। दूसरी बात, जब आपको फिजिकल डेप्थ बोला, फिजिकल हाइट ऑफ द सेप्टिक टैंक, तो ऐसा बोला तो ये क्या होगा, डिजाइन डेप्थ। कहानी ध्यान समझना वरना रटोगे, मेरे को मालूम है, तो ध्यान से समझो मैं कैसे लिख पा रहा हूं। फिजिकल हाइट ऑफ द सेप्टिक टैंक विल बी इक्वल टू डिजाइन डेप्थ ऑफ द टैंक प्लस फ्रीबोर्ड। मतलब क्या समझ में आई कि डिजाइनिंग जब हम करेंगे सेटलिंग टैंक का तब हम फ्रीबोर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। फ्रीबोर्ड आप अपने अनुरूप, कई लोग 1.2 मीटर, कोई लोग 0.3, अपने अनुरूप जैसा आपको देना है दे सकते हो अपने, लेकिन हाँ ज्यादा कम नहीं देना, और ज्यादा भी देने का फायदा नहीं है क्योंकि ज्यादा देने पर कॉस्ट आपका बढ़ता है। सो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि डिजाइन ऑफ द डेप्थ ऑफ द टैंक में आपको डेप्थ ऑफ द सेटलिंग जोन प्लस डेप्थ ऑफ द स्लज जोन। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फिजिकल हाइट है आपको 3 मीटर और फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं 0.2 मीटर, तो आपको जो डिजाइन डेप्थ लेना है वो 3 - 0.2 दैट इज 2.8 लेना है। इज दैट क्लियर? बट अगर क्वेश्चन में फ्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा होगा तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, इस बात का भी क्लियर रखना। चलिए ये बात क्लियर हो गई, अब इसकी हम देखते हैं डिजाइन वाला पार्ट। अब हम सेप्टिक टैंक के डिजाइन वाले पार्ट को देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा है, समझिएगा। डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक, डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक में सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम, सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम। कोई आप लोग बता सकते हैं क्या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कोई आप लोग बता सकता है क्या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो मैं क्या बोलूंगा, फ्री बोर्ड पार्ट को नहीं लेना है। सो फ्री बोर्ड पार्ट को नहीं लिए, आपके पास वॉल्यूम के लिए कौन कौन सी जगह बची, एक सेटलिंग जोन का पार्ट, एक स्लज जोन का पार्ट। तो सेटलिंग जोन का पार्ट सबसे आसान है निकालना, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डीटी। क्यू आपका इनफ्लो है और डीटी इज द डिटेंशन टाइम। यहां ध्यान रखिएगा, डिटेंशन टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है कितना, 24 to 36 आवर। मैंने पहले बोला था सेटलिंग टैंक एक टैंक है जिसकी डिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा है। दूसरी बात दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन, अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम नहीं होगा, ये तो आपने निकाल लिया, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, जितना आ रहा है पानी ये तो सिंपल टैंक वाला फॉर्मूला, आपको वॉल्यूम निकालना है, डिस्चार्ज इनटू टाइम कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन के लिए आपको कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला होता है आरएसपी इनटू क्लीनिंग पीरियड इनटू पॉपुलेशन। अब भैया पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आरएसपी आपको मालूम नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ
स्लेज प्रोडक्शन, और ये वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली गिवन है, इट विल बी इन रेंज ऑफ 30 to 40 liters पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे। तो यहां मैं फिर से लिख देता हूं, क्योंकि आपको यहां बोलोगे सर दिखा नहीं, फिर पर पर्सन पर डे, दिस इज ऑल अबाउट रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन। अब इसी के बाद एक और चीज आप लिख सकते हो, क्लीनिंग पीरियड वाला बात भी, सो क्लीनिंग पीरियड का जो हमारा होता है वो होता है 1 से 3 साल। मैंने आपको पहले बोला था 1 से 3 साल हम क्लीनिंग पीरियड लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया वॉल्यूम ऑफ स्लेटलिंग जोन, दूसरा पॉइंट हो गया वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन। अभी मेरा दिमाग कमेंट पे नहीं है, तो अभी कमेंट करके कोई फायदा है नहीं दोस्तों, अभी फटाफट आप समझते जाइए। सो वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू इंटू डिटेंशन टाइम प्लस रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन इंटू क्लीनिंग पीरियड इंटू पॉपुलेशन इंटू पॉपुलेशन। तो ये आपका है भैया रेट ऑफ स्लज का फॉर्मूला। अब इसी में आपको देखो ये जो फॉर्मूला है आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के आधार पे हम लोग सारी की सारी कहानी करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, जो आपका LB का रेशियो होता है वो होता है 2:1 to 4:1, और जो डेप्थ होती है वो जनरली रेंज में आती है 1.5 to 2.5 meters। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो वो चलता है। चलिए अब मेरे पास कमेंट देखने का टाइम है, तो अब मैं कमेंट देखूंगा और आपके डाउट्स भी लूंगा। तो है क्या डाउट, सबसे पहले है सैलेस का, सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट वाटर विल गो टू द आउटलेट विदाउट गेट ट्रीटेड, बिकॉज आप बोल रहे हैं वाटर कंटिन्यूज आता है। आपका सेटलिंग टैंक जो होता है, जो आपका सेप्टिक टैंक होता है वो इनफ होता है, इतने उसके वॉल्यूम बनाई जाती है, ताकि आपको देख रहे हो डिजाइन जो कर रहे हो उसमें वॉल्यूम में आप अपना रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन भी काउंट कर रहे हो, क्लीनिंग पीरियड भी काउंट कर रहे हो, सारी चीजों को काउंट करने के बाद ही आपका सेप्टिक टैंक का वॉल्यूम बनाया जाता है। आपके घर में भले ही एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना दिया जाता है, बट अगर हम एज ए एनवायरमेंटल इंजीनियर बनाएंगे तो ये चीजें आपको डिजाइन करना पड़ेगा। आप देख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन निकालने के लिए भी आपने अपना क्यू इंटू डी टी को कंसिडर किया है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपका वेस्ट वाटर है वो बिना ट्रीट किए हुए आउटलेट जोन में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सैलेस का जवाब, सैलेस के क्वेश्चन का जवाब था। तो अब मेरे को बताइएगा इस डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक में आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूले में डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होगा, उसमें हमको वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम से फाइनली हमको लेंथ और विड्थ और हाइट निकालनी होगी। हाइट जनरली गिवन रहती है, या फिर आपको फिजिकल हाइट अगर मालूम है तो उसमें फ्री बोर्ड गिवन अगर है क्वेश्चन में तो माइनस कर लो, या आपको जो डेप्थ ऑफ द टैंक गिवन रहेगा प्रॉब्लम में वो डिजाइन डेप्थ ही गिवन रहेगा, और आपको जो वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक निकालना है वो वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन होता है। वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन इज क्यू इनटू डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम का एक स्टैंडर्ड हमारा रेंज है दैट इज 24 to 36 आवर्स, इसका ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्लज निकालने में भी आपका फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन इंटू क्लीनिंग पीरियड इंटू पॉपुलेशन। रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन आप कैलकुलेट नहीं करते, ये बेस्ड ऑन आपको एक्सपेरिमेंट या बेस्ड ऑन कंडीशन हमने देखा ऑब्जर्व किया उसके आधार पे वैल्यू गिवन होगी हमको। सो रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन 30 into 40 liters पर पर्सन पर डे गिवन है आपको। क्लीनिंग पीरियड जो आपका है वो भी आपकी इसी रेंज में रहेगी 1 to 3 ईयर में, और उसके बाद जो आपका है वॉल्यूम वाला पार्ट मैंने लिख दिया, लेंथ और विड्थ वाला पार्ट मैंने लिख दिया, और डेप्थ वाला पार्ट मैंने लिख दिया। तो ये जो आपको लेंथ और डेप्थ वाला पार्ट मैंने लिखा है ये एक जनरल रेंज लिख दिया है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्वेश्चन में तो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे ही लेना। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं बच्चों, आपको कोई भी डाउट है इसमें तो बिल्कुल बताइए, ताकि मैं फिर आपको प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवा पाऊं। सो दैट आई विल इंट्रोड्यूस यू,
डिटेंशन टाइम क्या है? अब देखिए डिटेंशन टाइम क्या है अंजलि, ये बता रहा है कि आपने प्लेन सेडिमेंटेशन वाला पार्ट नहीं किया है। डिटेंशन टाइम मतलब एक एक वाटर पार्टिकल एक टैंक में कितने टाइम तक रहेगा, इसको बोलते हैं डिटेंशन टाइम। मतलब क्या हुआ, दूसरा अर्थ में बोले कि आपके वाटर पार्टिकल्स को इनलेट से आउटलेट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है? ये आपको दो तरीके बता दिए कि डिटेंशन टाइम समझने का, इसी को रिटेंशन टाइम भी बोलते हैं। चलिए, अगर आप लोग सबको ये डिजाइन प्रोसीजर समझ में आ गया हो, जो आपको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रहा हूं, जो भी पॉइंट्स पे बोल रहा हूं दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर हम प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। एक प्रॉब्लम मैं करूंगा, एक प्रॉब्लम आपसे करवाऊंगा। चलिए, क्लियर हो गई सबको, यहां तक कोई डाउट? एनडी पटेल, एसबीआई का यहां कंसेप्ट क्यों लाना भैया? एसबीआई का कंसेप्ट हम एएसटी में डील करते हैं, दैट इज स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। उसमें आपका सेप्टिक टैंक में कोई जरूरत नहीं है उस पॉइंट का, सेप्टिक टैंक में उस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो गाइज? चलिए, सो कुछ लोग बता रहे हैं क्लियर हो चुका है, तो पता चलेगा जब आप प्रॉब्लम बनाओगे। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम देने वाला हूं मैं अभी। प्रॉब्लम होगा आपको आईएएस का सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक बड़ा प्रॉब्लम करवाऊंगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। यस एनडी पटेल, स्टार्ट किए प्रिपरेशन? देखो, जब जागा तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। साई प्रसाद, सिर्फ Q into dt करने से नहीं होगा, बिकॉज आपने Q into dt तो कर लिया, मतलब आपने जितना वाटर लिया उसको तो ले लिया, बट ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक नहीं है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ बायोमास फॉर्म हो रही है और वो कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है। एक से तीन साल तक आप क्लीन नहीं करते हो, तो जो नीचे पार्टिकल सेटल हो रहे हैं उसके लिए भी जगह देना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि अगर आप उसके लिए जगह नहीं दोगे तो प्रॉब्लम यह आएगी साई कि आपके टैंक की वॉल्यूम दिन ब दिन कम होती जाएगी और अल्टीमेटली आपका टैंक बहुत जल्दी फिल होता जाएगा। That's something which we don't want. ये साई के सवाल का जवाब था, ये साई के सवाल का जवाब था। चलिए, अब देखिए अविनाश का जो सवाल है वो देखिए, इस सवाल के बाद मेरा चेहरा क्या होगा आप ही बताइए, आप सब लोग बताइएगा कि अविनाश ने जो सवाल पूछा है उसके बाद मेरा चेहरा क्या होगा। अविनाश, आज आप अभी आए हो क्लास में, मैं मॉर्निंग 9:30 से यहीं पे हूं। युवराजा बोल रहे हैं कि सर डेप्थ जो गिवन रहती है एसके गर्ग बुक में वो 1.2 to 1.8 है, तो मैंने कब बोला कि वो नहीं होगा? मैंने बोला 1.5 से 2.5 के बीच में जनरली रेंज होती है। एनडी पटेल, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा अच्छा करना है तो 1 जुलाई से बैचेस चालू हो रहे हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। आपकी नवंबर तक, मोस्ट प्रोबेबली 1st week of December तक आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास इनफ टाइम रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है और वो कोर्स आपको दिसंबर 1st week तक कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट। ठीक है, चलिए, अगर आप सब लोग रेडी हैं तो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिजाइन ए सेप्टिक टैंक, मतलब आपको लेंथ विड्थ और डेप्थ बताना है। क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ द टैंक बताया हुआ है, तो पहले उस पार्ट को कीजिए, फिर जो नीचे वाला पार्ट गिवन है उसको बाद में करेंगे। तो पहले ऊपर वाले पार्ट को कीजिए और बाद में हम सोक वेल या सोक पिट जो भी आप बोलते हैं उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस फाइंड आउट द वैल्यू फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक, एंड आफ्टर दैट वी विल डू दैट ऑल्सो। चलिए, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए। अब मेरा काम कम है, आपका काम ज्यादा है। नो प्रॉब्लम अविनाश, नो प्रॉब्लम।
आप रिकॉर्डेड वाला पार्ट देख सकते हो। आपने रिपीट करने बोला ना, उसके लिए मैंने बोला रिपीट नहीं कर सकता यार, आज बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं। वो तो आप लोग के कमेंट्स है जो मेरे को आगे खींच रहे हैं, अदरवाइज मैं कब का क्लीन बोल्ड हो गया रहता। आप लोग को एक और चीज बता दूं कि नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड दैट एवरी डे आई विल पुट वन क्वेश्चन ऑन माय एफबी वॉल एंड लेट्स सी हु गाइस विल गिव मी द राइट आंसर फर्स्ट। मॉर्निंग 9 o'clock यू विल गेट अ क्वेश्चन एंड इवनिंग 5 o'clock आई विल गिव यू द आंसर। सो टुडे आई थिंक हु गॉट दैट फर्स्ट, दैट समथिंग आई डोंट नो, आई हैव केप्ट दैट इन अ मैसेज, मैं कमेंट में उसका नाम लिख दिया हूं। सो देखते हैं कल कौन करता है, देखते हैं कल कौन करता है, ठीक है। सो व्हाट एवर द क्वेश्चन आई विल आस्क इन माय वॉल, इन फेसबुक वॉल, दैट क्वेश्चन ऑलरेडी, दैट पार्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द यूट्यूब। सो नो गाइज विल टेल मी दैट सर ये पार्ट नहीं हुआ है, ऐसा वाला आपका एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। या तो वो पार्ट मैं स्पेशल क्लास में कंप्लीट कर चुका हूंगा, या फिर आपको YouTube क्लास में कंप्लीट कर चुका हूंगा, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यू गाइज आर आई थिंक नोइंग दैट पार्ट फ्रॉम 1st जुलाई, फ्रॉम 1st जुलाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट द होल कोर्स फॉर रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड दैट विल बी ऑन अनअकैडमी प्लस। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट। ओके साई, नो प्रॉब्लम। इंस्टा पे भी मैं सोचूंगा, अभी राइट नाउ बहुत ज्यादा बिजी हूं तो आई कांट टेल यू दैट इंस्टा पे मैं डालूंगा, बट एज यू हैव गिविंग मी द सजेशन आई विल पुट इन इंस्टा ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, आई विल पुट इन इंस्टा ऑल्सो। चलिए, तो एनडी पटेल का आंसर भी आ गया है, बाकी लोग अभी तक सिर्फ बातें कर रहे हैं। अच्छा पटेल, आपने वॉल्यूम ऑफ सोकपिट बता दिया। भैया वॉल्यूम ऑफ सोकपिट पूछ ही नहीं रहा हूं अभी, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं डिजाइन है सेप्टिक टैंक, पहले अच्छा वहां स्पेसिफिक टैंक लिखा हुआ है, सॉरी दैट्स टाइपिंग मिस्टेक। सेप्टिक टैंक डिजाइन है सेप्टिक टैंक फॉर द फॉलोइंग डाटा, नंबर ऑफ पीपल आर 100, सीरीज पर कैप्टा पर डे इज 120 लीटर, डी स्लेजिंग पीरियड दैट सेम थिंग इज क्लीनिंग पीरियड 1 year, length by B ratio is 4:1, detention time is 36 hour, sludge accumulation rate, इसी को बोलते हैं rate of sludge production, so that is 30 liter per person per year, depth of tank is 1.5 meter, there is no nothing like freeboard and all, मतलब वो आपको design depth ही given है, मतलब वो आपको design depth ही given है। चलिए तो इस question को हम साथ में solve करते हैं। I think सबसे पहले आपको इस question में Q वाला part solve करना पड़ेगा। So, अब इस क्वेश्चन में जिन्होंने क्यू वाले पार्ट जिनको नहीं आता उनके लिए प्रॉब्लम होगी। क्यू वाले पार्ट को कैसे करते थे याद करो, यहां बोला है सीवेज पर कैप्टा पर डे, तो आप क्यू निकालने के लिए क्या करते थे, पॉपुलेशन इंटू सीवेज पर कैप्टा पर डे कितनी आएगी भैया, पॉपुलेशन आएगी 100, 100 ही आदमी है, 300 से ज्यादा दे नहीं सकता वो पॉपुलेशन। उसके बाद 200 लीटर पर डे पर, यही है ना, 200 लीटर है सीवेज पर कैप्टा, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू कितना आएगा, 20,000 लीटर पर डे, 20,000 लीटर पर डे, यस और नो। सो ये आपका 20,000 लीटर पर डे आ गया। चलिए सबसे पहली बात निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन,
क्या होता है फॉर्मूला भैया? क्यू इंटू डिटेंशन टाइम। अब सर यहाँ तो लीटर पर डे में, यहाँ आवर में है, यहाँ कई बच्चे रुक जाएंगे लेकिन आपको रुकना नहीं है। डिटेंशन टाइम इज 36 आवर डिवाइड बाय 24, आपको किसमें आ गया? डे में आ गया। आपको चाहिए मीटर क्यूब में, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो डिवाइड कर दो 1000 से। अब बताइए मेरे को आंसर। नाउ टेल मी यू, टेल मी गाइज, आपको आंसर कितना आया? कितनी आई वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन, कितना आया? अच्छा सीवेज कैप्टा 120 है, ओके ओके ठीक है भैया, जैसा आप बोलिए वैसा ही होगा। तो सीवेज ये 120 है, तो यहां कहानी क्या थोड़ी सी बदल जाएगी, आप लोग भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, प्रोसेस वही रहेगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। सो 100 इंटू 120 कितना हो गया भैया? 12000, 12000, यहां आपने रखा 12000। चलिए अब बताइए कितनी आ रही है वैल्यू, अब बताइए कितनी आ रही है वैल्यू? 24 आवर क्यों लिया सर जबकि गिवन है 36 आवर, डिटेंशन टाइम 36 आवर गिवन है, तो भैया इसको आवर्स को डे में चेंज करना पड़ेगा क्या? और इसीलिए तो 36 अपॉन 24 किए, यहां नीचे आपको डे है और डे डे को कैंसिल करने के लिए आपको 36 बाय 24 करना पड़ेगा। यहां आपका लीटर में है, हमको चाहिए मीटर क्यूब में, इसलिए डिवाइड 1000 से कर लिए क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, बचपन में पढ़ाया था। कितनी आई वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन, कितनी आई? आई वॉन्ट इन मीटर क्यूब, आई डोंट वॉन्ट इन समथिंग एल्स, आई वॉन्ट इन मीटर क्यूब। चलिए अगर आप लोग नहीं बताओगे तो मैं आगे चला जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ स्लज जोन, फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन इनटू क्लीनिंग पीरियड इनटू रेट ऑफ क्लीनिंग पीरियड, और दूसरा क्या आपके साथ? पॉपुलेशन। रेट ऑफ क्लीनिंग, रेट ऑफ स्लजिंग पीरियड कितना है, रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन कितना है, ये गिवन है आपको कितना भैया? ये गिवन है आपको 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर, और डिटेंशन डी स्लजिंग पीरियड 1 ईयर है, पॉपुलेशन 100, तो मतलब पॉपुलेशन हो गई 100 भैया, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया 30 है ना, यस 30 है, और चाहिए हमको मीटर में, तो मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड करूंगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आई ये बात आपको बतानी होगी। तो आप कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ यहां पे वॉल्यूम कितना आया। सो वी फॉर स्लजिंग पीरियड आया आपको कितना? अरे भैया कुछ भी नहीं है, 3 आया, 3 मीटर क्यूब, पिछले वाले से कितना आया था? 18। कैसे किए? 3 3 खत्म किए, 2 18 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कितना बना भैया? वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक कितना बना? 18 + 3 = 21 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक क्या होता है भैया? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एंड दैट इज इक्वल टू 21 मीटर क्यूब। हाइट गिवन है भैया, हाइट आपको गिवन है भैया, तो हाइट हम क्या करेंगे? L इंटू बी कर लेंगे, सो दैट इज 21 / 1.5। आगे कहानी क्या करें भैया? देखिए लेंथ बाई बी, एल बाई बी रेशियो गिवेन है क्या? डेफिनेटली गिवेन होगा, सो L इक्वल टू 4b लिख सकता हूं क्या भैया? बिल्कुल लिख सकते हो सर, सो 4b² = 21/1.1। बी की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? 21/1.5 × 4, वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी द वी वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या आ रही है? अंडर रूट 21/1.5 × 4। आंसर बताइए भैया, जितनी भी बी आएगी एल निकालने के लिए आप क्या करोगे? 4 × b कर दोगे, वो आपका बी आ जाएगा। तो मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी लिख डाली,
अब आपके में कमेंट्स देख रहा हूं कि आपको कहां डाउट है, तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो जल्दी से बता दीजिए। सो युवराजा इज टेलिंग 1.87, चलिए तो जो युवराजा बता रहे हैं उसी को भरोसा कर रहे हैं। अगर बाकी लोग एग्री नहीं करते हैं इस आंसर से तो बिल्कुल मेरे को मैसेज कीजिए। और युवराजा बता रहे हैं कि लेंथ आ रही है 7.48, लेंथ आ रही है 7.48, तो आपको लेंथ मिल गया, आपको विड्थ मिल गई, आपको हाइट मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ सोक पिट, वॉल्यूम ऑफ सोक पिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सोक पिट कैसे निकालेंगे भैया, यूनिट से खेलेंगे। आपको दिख रहा है नीचे एज्यूम पर कलेक्टिंग कैपेसिटी नहीं है, वो पर कलेक्शन कैपेसिटी है, सॉरी पर कलेक्टिंग कैपेसिटी है। सो पर कोलिशन जो होता है ना वो लिखा हुआ है, एज्यूम पर कोलिशन कैपेसिटी है 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे, और आपको जो डिस्चार्ज आ रहा था वो 12000 लीटर पर डे आ रहा था। आपको चाहिए वॉल्यूम, तो किस पार्ट को किस में रखूं, मतलब अगर मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोक पिट तो मैं किसको ऊपर रखूं, डिस्चार्ज को ऊपर रखूं या पर कोलिशन कैपेसिटी को ऊपर रखूं, बताइए। यूनिट देख के कहानी बोलना है, यूनिट देख के कहानी बोलना है। चलिए तो बाकी सब लोगों का आंसर आ रहा है, जो लोग अभी भी सुषुप्ता अवस्था में बैठे हुए हैं कि सर बोर्ड पे लिखेंगे और मैं छापूंगा, वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती करो, गलती सब अलाउड है, जितनी भी गलतियां करोगे सब मेरे एग्जाम में क्लास में अलाउड है, एग्जाम में गलती मत करना बस। आप सब लोग एक बार बार्क की इंटरव्यू जरूर देना, बार्क की इंटरव्यू जरूर देना, बहुत ही मजेदार होगी, इट विल बी ए नाइस एक्सपीरियंस, आपको मजा आएगा, वो चीजें आप जिंदगी भर याद करोगे। बार्क के इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी खासियत बात है, आप पहले ये प्रॉब्लम बना लो फिर मैं आपको बार्क के इंटरव्यू और कॉलेज के इंटरव्यू का डिफरेंस थोड़ा समझाऊंगा, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो बिल्कुल समझाऊंगा कॉलेज इंटरव्यू और बार्क के इंटरव्यू में क्या फर्क रहता है। पर कॉलिटिंग कैपेसिटी ऊपर भैया, पर कॉलिटिंग कैपेसिटी को अगर ऊपर रख देंगे तो कैसे आएगा आपका मीटर क्यूब, आपको मीटर क्यूब लेके आना है, तो पर कॉलिटिंग कैपेसिटी ऊपर नहीं रखेंगे, क्यू को ऊपर रखेंगे और पर कॉलिटिंग कैपेसिटी नीचे रहेगी, तब तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, तब तो आपको इसको मीटर क्यूब आएगा, ऐसी गलती ना करो भैया। So volume of soak pit will be Q, how much you got? Q कितना निकाला था आपने last time? आपने निकाला था 12000 लीटर पर डे, 12000 लीटर पर डे अपॉन पर्कुलेटिंग कैपेसिटी कितनी है 1250 लीटर पर डे, आई थिंक 1250 लीटर पर डे पर मीटर क्यूब। सो 1250 लीटर पर मीटर क्यूब पर डे, यहां भी आएगा लीटर पर डे। सो लीटर पर डे खत्म हुआ, 12000 से एक आप जीरो खत्म हुआ, 125 से 1200 करोगे समथिंग 9.6 के आसपास ही आएगा। सो दैट इज 9.6 मीटर क्यूब, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोक पिट। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना।
एक्चुअली अंजलि इफ यू आर राइटिंग 9.6 आई विल पुट मैंगो एप्पल बनाना वट एवर आई लाइक सो विदाउट यूनिट आई डोंट वॉन्ट वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सोप पिट एक बार बता दो भैया यूनिट से खेल जाओ आपको क्या बोल रहा है वॉल्यूम जो आपके आपके सोप पिट में जो डिस्चार्ज आएगा साई वो कौन सा डिस्चार्ज आएगा आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जितना आपने इनपुट दिया उतना ही आपका आउटपुट आ रहा है आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस फ्लो हो रही है टैंक में जो होती नहीं है रियल लाइफ में बट हमको मानना पड़ेगा कि कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है तो जो आपका फ्लो हुआ जितना आपका इनलेट था उतना ही आपका आउटलेट होगा तो इनलेट आपका क्यू था अपॉन परकुलेटिंग कैपेसिटी कर लिया तो आपका वॉल्यूम ऑफ सोप पिट आ गया क्योंकि परकुलेटिंग कैपेसिटी की यूनिट क्या गिवन थी लीटर पर मीटर क्यूब पर डे में और ऊपर आपके पास था लीटर पर डे क्यू का तो हमने दोनों को डिवाइड किया भैया हमारा मीटर क्यूब आ गया तो ये था किसके लिए साई के लिए ये जवाब साई के लिए था उन्होंने एक डाउट पूछा था चलिए अब आपको बताता हूं मैं पहले सुनना चाहते हो कि नहीं पहले ये बताओ यू वॉन्ट टू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉलेज इंटरव्यू और कॉलेज वाइवा एंड बार्क इंटरव्यू यस और नो अगर चाहते हो तो बताओ नहीं तो फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चलिए अब देखिए कॉलेज वाइवा क्या होता है जो लैब में जो आप वाइवा देते हो ना कॉलेज में उस कॉलेज वाइवा का एक रफ डायग्राम कैसा रहता है बताता हूं कॉलेज वाइवा वाले में दो बच्चे होते हैं दो टाइप के बच्चे पाए जाते हैं एक बच्चा जो अगर कल कॉलेज वाइवा है आपका एनवायरमेंट का तो आज रात पूरा बैठ के चार पांच प्रैक्टिकल एकदम रट लिया है छह सात प्रैक्टिकल एकदम फर्रे उर्रे बन गए हैं मिनी माइक्रो मिली सब बन गया है पूरा रेडी है तैयार बैठा है और जिस दिन वाइवा है उस दिन भी पूरा एकदम पूरा पढ़ के जा रहा है सारे एकदम जितने भी टेस्ट थे सबको रिवाइज वाइज कर लिया है और फिर बच्चे होते हैं मेरे जैसे दूसरे बच्चे होते हैं मेरे जैसे वो बच्चा आराम से सोता है रात भर सुबह नॉर्मली तैयार होता है क्लास पहुंचता है वाइवा का टाइम आता है वाइवा देने जाता है सर ने सवाल पूछना है पहला उसका आंसर बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट आंसर रहता है वहां कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके इंटरव्यू जो रहते हैं जो भी आपकी फैकल्टी या मैम जो भी रहेंगी वो आपके सवाल पूछी सवाल सुनो पूरा सवाल सुनना है बिना पूरा सवाल सुने जवाब नहीं देना है सवाल सुनिए और जवाब होगा सॉरी सर जवाब आपका पहले से रेडी था आपने कोई प्रिपरेशन इसके लिए नहीं की इसमें कोई भी राम मंत्र नहीं था कोई भी विष्णु भगवान का अवतार नहीं था इसमें सॉरी सर सवाल आपका क्लियर था पहली बार में आपको बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं बेटा दूसरा सवाल जब आपसे पूछेंगे तो आपको थोड़ा सा एटीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा अपना वहां थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ सॉरी सर तो वो जो एटीट्यूड वाली वॉइस आएगी ना तो आपको चेहरे पे भी दिखनी चाहिए तो सेकेंड टाइम आएगा सॉरी सर मेरे साथ आज तक थर्ड टाइम नहीं हुआ आई होप आपके साथ भी ऐसा थर्ड टाइम नहीं होगा कि तीसरी बार आपको वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे वो समझ जाएगा आपको कुछ नहीं आता है सो ही विल से ओनली गेट आउट यू विल गेट द रिजल्ट विथ ए थंब सो आपको बाहर कर देंगे आप आराम से जाइएगा कैंटीन में चाय पीजिएगा रिलैक्स कीजिएगा अब दूसरा बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो तो जेफनली जाएगा तो जवाब देगा ही पूरा अच्छे से करेगा सब कुछ करेगा फिर फर्क क्या रहेगा जब आपका लैब के मार्क्स आए वाइवा के मार्क्स आए आपको मार्क्स थे 27 मार्क्स आपको मार्क्स थे 27 और उसको थे 29 तो मार्क्स का फर्क कितना हुआ सिर्फ 2 मार्क्स का तो हमारे जैसे गरीब बच्चे सोचते हैं कि भैया सिर्फ 2 मार्क्स के लिए रात की नींद क्यों खराब करें है या नहीं तो रात की नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है तो आराम अपन चिल रहते हैं तो ये था कॉलेज वाइवा अब आते हैं बार्क के वाइवा की बात करते हैं तो बार्क के इंटरव्यू में आप जाओगे आपका उनसे पहला सवाल रहेगा 5 बहुत ही बुजुर्ग लोग बैठे रहेंगे जिनको जीवन में उस टाइम तो कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको परेशान करने के बाद और जब वो पूछेंगे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन रहते हैं
और जब वो पूछेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा आपका 5 सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, समझना। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ थोड़ा सा भी फिसले ना आप गलत तरीके से समझ जाओगे, तो पूरा लाइन बाय लाइन समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा 5 सब्जेक्ट बताओ, तो आप अपना 5 सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। जो सबसे ज्यादा है अच्छा इंटरेस्ट आपको लगता है वो आप ऊपर लिख दोगे, फिर जो आपका सबसे ऊपर रहेगा उससे वो सवाल पूछना चालू करेंगे, और फिर पूछे आप बोलोगे सर ये नहीं आता, तो बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे स्ट्रक्चर के सवाल, आपने बोला सर ये स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा हाइड्रोलॉजी आता है, हाँ तो चलो हाइड्रोलॉजी से ही पूछते हैं। फिर आपने बोले कुछ देर बाद आप बोले सर हाइड्रोलॉजी भी नहीं आता, ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा इरिगेशन से पूछते हैं। तो वहां आपको सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, वाइवा आपके कॉलेज वाले में सॉरी बोलने के बाद आपको बाहर निकाल दिया गया था, मार्क्स भी मिल गया था, लेकिन बार्क में या किसी भी पीएसयू के इंटरव्यू में सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही खाली आदमी है, वो आपसे जो चीज पूछना चाहते हैं वो निकलवा लेंगे। अब समझिएगा कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि जब बार्क में आप काम करते हो ना, सो देयर दे आर नॉट कंसर्न कि आपको हर चीज का नॉलेज हो, उनका क्लियर है कि आपसे 20 सवाल पूछे, आपसे 20 सवाल पूछे, आपको 18 गलत आ रहे हैं चलेगा, बट 2 सवाल के जवाब आप अगर सही तरीके से दे दिए, उनको इंप्रेस कर दिए उस 2 सवाल में, यू विल बी द सिलेक्टेड पर्सन हु इज हैविंग 90,000 सैलरी जॉब विथ ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। लेकिन वो जो 40 से 45 मिनट है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, और इसकी वजह मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बात से रोते हुए आते हैं एकदम इंटरव्यू से रोते हुए, अरे ऐसे कौन पूछता है यार, मैं बोला ना सॉरी सर फिर भी पूछ रहे थे। दे हैव द डेडिकेटेड टाइम, दे ओनली वॉन्ट टू आस्क यू कि आपका कोई भी एक पॉइंट सही हो, आप सॉम के इस पार्ट में सही हो, आप इन्वायरमेंट के एयर पोल्यूशन वाले पार्ट में सही हो, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट में सही हो, तो वो चाहते हैं आपकी डाइवर्सिटी को देखना। तो इवन अ सिंगल पॉइंट इफ यू आर गुड इट विल बी गुड फॉर यू। सो ये चीजें ध्यान में रखना कि इंटरव्यू आप में 20 में से 15 सवाल भी गलत जवाब दिए, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, गलत नहीं सॉरी बोल दिया, गलत तो जवाब देना ही नहीं है, सॉरी बोल दिया चलेगा, लेकिन 5 सवाल भी आप अच्छे से जवाब दिए तो देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलेज वाइवा और बार की या पीयूसी की वाइवा, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। कॉलेज लाइफ खत्म हुआ, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो समझ जाओ कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है, जो एंजॉय करना था फर्स्ट और सेकंड ईयर में अपन ने कर लिया, थर्ड और फोर्थ ईयर अपने कैरियर को दो ताकि फोर्थ ईयर के बाद आपके पास एक डिसेंट जॉब हो। इज दैट क्लियर दोस्तों, क्या ये बात समझ में आ गई सबको, क्या जो मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया है जो बताया है बात दिमाग में घुस गई, अरे हाँ या ना। कॉलेज में ऐसा होता है लेकिन बार्क में ऐसा नहीं होगा, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू अबाउट बार्क, वहां आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट में ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपने 5 सब्जेक्ट नाम दे दिया है उसी में ही से पूछेंगे, ठीक है। युवराजा इज आस्किंग सर हाउ विल डिजाइन द परकोलेटिंग कैपेसिटी, पहला तो युवराजा वो कोलेटिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको परकोलेटिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो गलत वहां पर टाइपिंग एरर है। तो परकोलेटिंग कैपेसिटी जो है वो हम डिजाइन कैसे करते हैं, हम कैसे डिजाइन करते हैं कि आप ग्रेवल के ऊपर में पानी डालो और वो पानी कितनी जल्दी इन्फिल्ट्रेट होके जाता है, तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है कि इतना वॉल्यूम डाला इतने टाइम में चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं परकोलेटिंग कैपेसिटी। साइज आस्किंग सर ठीक है, चलिए तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप बनाना चाहोगे या असाइनमेंट लेना चाहोगे, दिस क्वेश्चन यू वांट टू टेक एज असाइनमेंट और बनाना चाहोगे, जो भी आपका बन। चलो बना ही लो, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपकी हेल्प में नहीं करूंगा, सो लेट्स सी हु विल गिव मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर, हु विल गिव मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर। लेट्स सी हु विल गिव मी द फर्स्ट करेक्ट आंसर,
जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, जितनी जल्दी आप बना लो उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आज आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। यहां परकोलेटिंग कैपेसिटी क्यू गिवन है, एक इंपेरिकल रिलेशन उसके लिए गिवन है, सो यू हैव टू यूज दैट रिलेशन। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब लोग यहीं पे कर लो। मेरे को पता है आप लोग असाइनमेंट, अभी तक मैंने जो असाइनमेंट आई थिंक ओसीएफ में आपको दिया है उसका आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आया है, सो आपको ओसीएफ का एक ऑलरेडी असाइनमेंट है, इट्स बेटर टू डू इट हियर ओनली। Those guys who are not showing your presentation, that's not good. Hit on the like button to show your presentation. चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा, सब कुछ गिवेन है आपको, तरीका थोड़ा अलग होगा लेकिन गिवेन आपको सब कुछ है, तरीका थोड़ा अलग होगा लेकिन आपको गिवेन सब कुछ है। Let's see who will give me the correct answer. That to first one. अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप लेंथ विड्थ वाला पार्ट तो बहुत जल्दी जवाब दे सकते हो। सेप्टिक टैंक इज टू बी डिजाइन फॉर ए कॉलोनी ऑफ 200, मतलब पॉपुलेशन 200 दिया हुआ है, विथ ए वाटर सप्लाई ऑफ 180 एलपीसीडी, मतलब यहाँ पे आपको क्या है, पर कैप्टा वाटर सप्लाई गिवेन है, 80% ऑफ वाटर सप्लाई कन्वर्ट इन टू सीवेज, मतलब आपको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट टू फाइंड आउट क्यू वैल्यू। डिटेंशन टाइम 36 आवर गिवन है, स्लज डिपोजिशन रेट दैट इज रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन कितनी गिवन है, 0.03, मतलब 30 लीटर पर कैप्टा पर ईयर। पीरियड ऑफ क्लीनिंग है 15 मंथ, मतलब 1.25 ईयर। उसके बाद है आपके पास इफ्लुएंट डिस्चार्ज और डिस्पर्सन ट्रेंच, assume the percolation rate as 20 meter per centimeter in the soil, percolation test, okay, so आपको time given है, so Q value आप निकाल सकते हो, and they are telling you to find out करने क्या बोल रहे हैं आपको, अच्छा find out करने तो अभी बताए नहीं होंगे, find out करने तो यहाँ पे है आपको, total volume required for septic tank, that's first thing you have to find out, total dispersion trench area, same कहानी है, जो वहाँ पे soak pit है, dispersion trench उसी को बोल रहा है, वहां पे आपको जो परकोलेटिंग कैपेसिटी थी वो लीटर पर डे पर मीटर क्यूब में गिवन थी, यहाँ पे लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो फाइंड आउट दैट परकोलेटिंग कैपेसिटी, यू हैव दैट इंपेरिकल फॉर्मूला इन विच वी विल यूज द टी, एंड दैट टी इज इन मीटर मिनट, सो यू कैन डायरेक्टली यूज 20, यू विल गेट द परकोलेटिंग कैपेसिटी इन लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर, विद दैट यू कैन फाइंड आउट द डिस्पर्सन एरिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन टेल मी द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, पहले कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ये बताओ।
कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है पहले ये बताइए। और आज मेरे को कुछ पब्लिक कम दिख रही है, जैसे जैसे मैं अगर मैं बोलूं तो लक्ष्मी जी नहीं रही कमेंट सेक्शन में, तो बिल्कुल नहीं दिख रही मेरे को। और आज तो मंडे है क्या? आज तो मंडे है ना, आज वीकेंड थोड़ी है। आज आप लोग इतनी कम जनता क्यों है मेरे पास? युवराजा ने बताया वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक 50.7। सो आर यू गाइस एग्री ऑन दिस वैल्यू? ईशान भी 50.7 ही बता रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप सब लोग ये जवाब दे दोगे मेरे को, अगर सब लोग आप जवाब दे दोगे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम फंडा जो आपने पुराने वाले क्वेश्चन में किया है सेम वही किया है। तो अगर आप सब लोग, जितने लोग अभी लाइव हो, आप सब लोग अगर जवाब दे दोगे तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन असाइनमेंट हो जाएगा, और वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे देंगे, वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे देंगे। गाइस कोशिश कीजिए कि मेरे को बनाना ना पड़े। सो युवराजा का 50.7 है। अब दैट आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, दैट समथिंग आई कांट टेल। सो यस आई थिंक दैट इज करेक्ट ओनली। ईशान ने डेप्थ भी ले लिया। अरे भैया ईशान, कंट्रोल कंट्रोल, वॉल्यूम तक ही निकालने बोला था उसको, डेप्थ और डायमेंशन निकालने बोलता तो वो देता, डाटा भी देता आपको। तो जिन लोगों का वॉल्यूम ए आ रहा है, वॉल्यूम में 50.7 आ रहा है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ सेप्टिक टैंक इज 50.7, उनकी बात सही है, उनकी बात सही है। चलिए प्रिया का भी आ गया है, पांडे जी का आ गया, ईशान का आ गया, देवाशीष का आ गया, युवराज का आ गया, आयुष का आ गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा पार्ट डिस्पर्सन ट्रेंच वाला, डिस्पर्सन ट्रेंच का सिर्फ अभी तक सिर्फ मेरे को देवाशीष ने आंसर सही दिया है। सो फॉर सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द आंसर, एंड फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए अच्छी बात है, मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग अभी भी जवाब नहीं दिए हैं, जैसे अशमुद्दीन जवाब नहीं दिए हैं, और बाकी लोग जो ऑनलाइन है जल्दी जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूं नहीं। आप लोग जल्दी से जवाब दोगे ताकि मैं फिर आपको कल की क्लास का रूटीन बता दूं एक बार, ताकि आप कल की क्लास ना छूटे। ये क्वेश्चन तो अब मैं बनाने वाला हूं नहीं, जिन लोग से नहीं बना वो असाइनमेंट है, जिन लोग से फिर भी नहीं बनेगा वो लोग मेरे को फेसबुक पे पूछ लीजिएगा। आपको सेप्टिक टैंक से कोई भी डाउट है तो आज पूछ लीजिए, यू हैव 2 मिनट्स टाइम फॉर दैट। और मैं आपको कल की क्लास का रूटीन बता देता हूं। कल का डेट क्या हो गया? 30। सो आई थिंक दैट इज द लास्ट डे ऑफ जून। तो दोस्तों 30 जून को जो हमारी क्लासेस है, मॉर्निंग 9:30 to 11 AM OCF, और उसमें भी टॉपिक देखने वाला हूं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। दूसरा 2 to 3 PM फोर्स ऑन सबमर्ज बॉडी और बाउंड्री लेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग। सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड
और दूसरा है आपका फोर्स ऑन समर्स बॉडी, और शाम को फिर से 7 to 8:30 PM वो है आपका एनवायरमेंट। सो कल ये तीन क्लासेस है हमारे। ईशान बोल रहे क्वेश्चन शो कर दिया एक बार, ईशान कर लो। फ्रॉम 1 जुलाई गाइस वी हैव स्लाइट चेंज इन द टाइम टेबल, आई थिंक यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट। क्या आप सबको 1 जुलाई की टाइमिंग मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि वो भी मैं आपको बता दूं। अश्मुद्दीन आपका वॉल्यूम अगर 60 m³ आया है तो आपने कहीं गलती की है, क्या गलती की है वो आपको फिर से कीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। कोई नया पॉइंट रहता तो मैं बता दिया होता, कुछ भी नया पॉइंट रहता तो मैं बता दिया होता। शायद आपने 180 को 80% से मल्टीप्लाई करना भूल गए हो, शायद वो एक गलती हो सकती है आपकी अश्मुद्दीन। तो आप लोग को जुलाई का टाइमिंग टाइम टेबल मालूम है? आर यू गाइज अवेयर ऑफ द जुलाई टाइम टेबल? देयर इज अ स्लाइट चेंज इन दैट, थोड़ा सा चेंज है उसमें। आयुष यस, 6 to 7:30 PM आपका इन्वायरमेंट रहेगा। चलिए जिनको अवेयर नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूं, वैसे आपको वीडियो है आप चैनल पे देख सकते हो, पूरी डिटेल टाइमिंग होगी उसमें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, बट फॉर इन्वायरमेंट आई विल टेल यू थोड़ी सी चेंज है फ्रॉम 1 जुलाई। और जुलाई फर्स्ट 2 वीक में आपका OCF और इन्वायरमेंट दोनों खत्म होने वाला है दोस्तों, और दोनों के खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक बार एक कंप्लीट रिवीजन सेशन लूंगा। वो किसी भी एक वीकेंड, जिस दिन भी वीकेंड में फ्री रहूंगा उस दिन मैं OCF का भी एक मैराथन सेशन लूंगा और एक इन्वायरमेंट का भी मैराथन सेशन लूंगा। नहीं अश्मुद्दीन फिर आपने कहीं गलती की, एक बार फिर से देखिए। फ्रॉम 1 जुलाई आपका जो OCF की क्लास है वो रहेगी मॉर्निंग 9:30 to 10:30, और जो इन्वायरमेंट की क्लास है वो 6 PM to 7:30 PM। चलिए इस क्वेश्चन की बात क्या है कि परकोलेशन कैपेसिटी जो आपका निकालोगे वो कैसे निकालोगे? Q will be equal to 130 upon root under 20 because T they want in minute only and T they have given you 20 minutes. We put that whatever you will get that will be the Q value. Whatever you will get that will be the Q value. अश्मुद्दीन आपका आंसर सही आ गया। चलिए तो इसको किसी में और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में पूछ लीजिए। इफ एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट यू कैन आस्क मी, इफ एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट यू कैन आस्क मी गाइस, और एल्स आई विल क्लोज दिस सेशन। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं बनाया हूं, मैं चाहता हूं कि आप बनाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो पार्ट मेरे को फेसबुक पे भेजिए, आई विल करेक्ट यू इन दैट पार्ट। डेप्थ ऑफ द सॉइल यहां मालूम नहीं है, यहां हमको पर सेंटीमीटर ही लेके चलना पड़ेगा। द ओनली थिंग वी नीड इज द टाइम, और टाइम हमको 20 मिनट्स मिल चुका है, टाइम हमको 20 मिनट्स मिल चुका है। वो जो क्यू वैल्यू आपको गिवन है वो ये कंसीडर करके गिवन है कि आपको पर सेंटीमीटर वाली बात ही लेनी है। ये ईशान का जवाब था। अश्मुद्दीन क्यू की वैल्यू क्या आई मेरे को भी मालूम नहीं है।
सेकेंड पार्ट में जिनको डाउट है भैया वो क्यू निकालने के लिए 130 अपॉन रूट अंडर 20 कर दीजिए, 130 अपॉन रूट अंडर 20 कर दीजिए, और जो भी आपका परकोलेटिंग कैपेसिटी आया, जो भी आपका परकोलेटिंग कैपेसिटी आया अपॉन क्या करना है आपको, क्यू अपॉन परकोलेटिंग कैपेसिटी दैट विल गिव यू द सर्फेस एरिया, क्यू अपॉन परकोलेटिंग कैपेसिटी दैट विल गिव यू द सर्फेस एरिया। यस यस ईशान, वी हैव टू अकॉर्डिंग टू यूनिट हमको वो चीज देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेप्थ की बात नहीं है, सो डेप्थ की बात अगर नहीं है तो हमको 1 सेंटीमीटर को ही कंसिडर करना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन बना दूं क्या, क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या क्वेश्चन बना दूं क्या सबको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, या आप लोग चाहते हो कि इसको खुद ट्राई करो। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इसको बना दूं, या आप खुद ट्राई करना चाहते हो फिर अपना सॉल्यूशन भेजोगे मेरे को। हाँ या ना में जवाब दीजिए ताकि मैं इसको बना दूं। You guys want me to solve this question? If yes, then put it so that I can solve this question. अगर सारे लोग yes बोलेंगे तो फिर मैं इसको बना दूंगा, कोई बात नहीं है, 5 मिनट में बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो चलिए, अगर आप लोग बोल रहे हो बनाने तो मैं बना ही देता हूं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है भैया आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी टी। क्यू कैसे निकालोगे, 200 इंटू 180 एलपीसीडी इंटू 80, सो 200 इंटू 180 इंटू 0.8 किसमें आएगा, लीटर पर डे में आएगा, यस सर नो। सो लीटर पर डे का हमको किसमें चाहिए, हमको तो मीटर क्यूब पर डे में कन्वर्ट करना है ना, सो मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1000 से इंटू 36 आवर, आई नीड टू कन्वर्ट दैट पार्ट इंटू डे, सो डिवाइड बाय 24, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग जोन प्लस रेट ऑफ स्लज प्रोडक्शन कितनी है, 0.03, सो 0.03 इंटू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना बढ़िया, पॉपुलेशन है आपका 200, सो 200 इंटू 15 मंथ मतलब कितना हो गया, 1.25 ईयर। टेल मी हाउ मच वॉल्यूम यू आर गेटिंग, टेल मी हाउ मच वॉल्यूम यू आर गेटिंग गाइस। चलिए आ गया सबका, क्या वैल्यू आ गया सबका, यस और नो, आई वांट रिप्लाई, यस और नो आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यस और नो। क्या वॉल्यूम वाला पार्ट सबका निकल गया, दूसरा पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट, क्यू का फॉर्मूला क्या गिवन है, 130 रूट अंडर टी, रूट अंडर टी मतलब 20, आपका क्यू मिल गया, आपसे क्या पूछ रहा है, वो
पूछ रहा है आपसे टोटल डिस्पर्सन ट्रेंच एरिया। सो टोटल डिस्पर्सन ट्रेंच एरिया विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। सो क्यू अभी जस्ट आपने निकाला है कितना है, 200 इंटू 180 अपॉन इंटू 0.8 बाई 1000। दैट वैल्यू विल गिव यू इन मीटर क्यूब पर डे। बट यहां जो आपको वैल्यू आ रही है वो लीटर पर डे में आ रही है, तो मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं 1000 से डिवाइड नहीं करूंगा। तो मतलब क्या बचा आपके पास, 200 इंटू 180 इंटू 0.8 अपॉन 130 रूट अंडर 20। आंसर बताइए सब लोग, इतना डिफिकल्ट था क्या? आंसर बताइए सब लोग, आंसर बताइए सब लोग फटाफट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज, खासकर उन लोगों का आंसर चाहिए मेरे को जिन लोगों ने नो मतलब बोला था मेरे को सॉल्व करने, लाइक अशमुद्दीन और शैलेश, इन दोनों का जवाब मेरे को चाहिए। मैंने 80% नहीं किया, मैंने तो किया 80%। यू कैन सी 0.8 आई हैव डन, 0.8 आई हैव डन। चलिए अब सबका आंसर आ गया, मेरे को बस दो लोगों का आंसर चाहिए, अशमुद्दीन का और शैलेश का। ये दो लोग जवाब दें। लक्ष्मी कितनी बार बोला है यूनिट के साथ यूनिट लिखना, सॉरी डिजिट के साथ यूनिट लिखना भूलिए, न्यूमेरिकल डाटा से काम नहीं चलेगा। अश्मुद्दीन अब समझ में आया, अश्मुद्दीन अब समझ में आया, कहां गलती कर रहे थे, कहां पाप कर रहे थे, जल्दी बताओ बच्चों को। अश्मुद्दीन और शैलेश कहां आप गलती कर रहे थे, कौन सा पाप कर रहे थे, जल्दी बताओ। चलिए वॉल्यूम कितनी आई सबकी, 50.7 ही आई क्या, उतना ही आएगा। चलिए तो लास्ट बार पूछ रहा हूं, आई वॉन्ट रिप्लाई फास्ट। क्या अब भैया सेप्टिक टैंक का कोई डाउट रहा, चाहे वो कंसेप्चुअल डाउट हो या फिर आपके न्यूमेरिकल डाउट हो, कोई भी ऐसा डाउट रहा तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आज का सेशन खत्म करने वाला हूं, बहुत थक गया हूं दोस्तों। कल सुबह फिर मिलेंगे सेम एनर्जी के साथ और स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है उस टॉपिक में आपको, जैसे चैनल ट्रांजिशन में मजा आया था वैसे ही आपको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में भी उतना ही मजा आएगा। उतने ही मजे के साथ हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे, सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। और बच्चों आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है अभिषेक सर की तरफ से, सॉम सर ले रहे हैं, आई थिंक सॉम आपका कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, तो आपका आई थिंक कल टुमारो 2 PM आपकी क्लास रहेगी। आई थिंक आपको ये अवेयर, जिनको मालूम होगा इन्फॉर्मेशन अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है आप नोट कर ले अपने नोटबुक में, कल 2 PM में, 2 AM में मत बैठ जाना, 2 PM में अभिषेक सर की क्लास, सॉम की क्लास होगी, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है आप नोट कर लीजिए और कल आपका सॉम कंप्लीट होगा। सो दोस्तों मैं पहले बोल दिया, फर्स्ट और लास्ट क्लास में हमेशा एब्सेंट प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट रहना है, क्या पता कल सर कुछ ऐसी बात बताएं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर जाए। सो अटेंटिव रहिए, बाकी आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी की रोटी खाइए और पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, शुभ रात्रि, सबक खैर।